नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक करेंगे मुझे खुशी होगी, आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, डंके की चोट पर सबसे ऑथेंटिक जानकारी। और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, विभिन्न समाचार पत्रों में जो आया उसे भी बताने का प्रयास करूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सबसे हटके जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पहली खबर की बात करेंगे, पहली खबर संविदा कर्मचारियों को लेकर है। संविदा कर्मचारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो सपना सजोए परमानेंट का बैठे थे उस पर पानी फिर गया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा कि विभिन्न विभागों में संविदा या आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों की स्थायी करने का सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सेवा प्रदाता के माध्यम से लिए गए कर्मी राज्य सरकार के नियुक्त कर्मी नहीं हैं, आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने की कोई नीति नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सपा ने सपोर्ट किया, सपा ने जवाब मांगा, तो सुरेश खन्ना जो कार्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी परमानेंट नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं, स्पष्ट कर दिया गया है। तो संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर। परीक्षा केंद्रों को 12 फरवरी से उपलब्ध कराई जाएगी उत्तर पुस्तिकाएं, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जल निगम में बंपर भर्ती होने वाली है। अब भैया 145 को भी बंपर भर्ती कहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा भर्ती यूपी 888 से अब आने वाली नहीं है जेई की। इसके पहले जो अधियाचन पहुँचा वो अलग बात है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यह अलग बात है। तो जेई के 145 पदों पर भर्ती होगा। नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराएगा भर्ती। भर्ती कब आएगी? चुनाव के बाद, जल निगम की। बाकी कुछ पदों का अधियाचन और पहुंचा है, उसका विज्ञापन हो सकता है आ जाए। अगली अपडेट है 2377 केंद्रों पर 17 और 18 तारीख को दो पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि 17 तारीख को दो पाली, 18 तारीख को दो पाली। इसके लिए मेरे द्वारा अभियान छेड़ा गया था। जो अभियान छेड़ा गया बस सही साबित हुआ, सफलता मिली। हमने कहा था एक दिन में किसी भी कीमत पर परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। परीक्षा फरवरी माह में कराएं, लेकिन 4 से 6 पालियों में कराएं, 4 पाली में कर दिया गया था। आपको मालूम होगा 48 लाख कैंडिडेट हैं, सभी को पता है इस बात की जानकारी चैनल के माध्यम से दी गई थी, 48,17,441। अब महिला और पुरुष को सेंटर कहाँ दिया गया है? महिला और पुरुष को, मेल फीमेल को सेंटर कहाँ मिला है? तो भैया अपने जिले से दरबदर कर दिया गया है। हाँ, 70% कैंडिडेट का सेंटर अपने जिले से दरबदर कर दिया गया है, दूसरे जिले में भेज दिया गया है, दूर भेज दिया गया है। और 30% को डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया है, यानी कि फीमेल की संख्या इसमें ज़्यादा, फीमेल को डिस्ट्रिक्ट मिला है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूँ, अपने जिले में परीक्षा देने का मौका मिला है फीमेल को। 70% लोगों का सेंटर जिला बदर कर दिया गया है, जिले से बाहर भेज दिया गया, दूसरे जिले में भेज दिया गया है। यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड आपका कब आएगा? 7 दिन पहले, 10 तारीख को एडमिट कार्ड आप 12 बजे के बाद से डाउनलोड कर पाएंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूँ, 12 बजे के बाद से आप एडमिट कार्ड यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। अब मैं बात करता हूं बिहार की एक बड़ी खबर के बारे में। भर्ती परीक्षा 3.5 लाख परीक्षार्थी होंगे लाभान्वित। कार्यालय परिचारी पद के अभ्यर्थियों का शुल्क माफ कर दिया गया है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने 14,92,00,000 शुल्क की राशि माफी का निर्णय लिया है। चुनाव दोस्त आने वाला है, 24 का चुनाव है और 25 में विधानसभा चुनाव, वर्क शुरू हो गया है। चुनाव में ही लाभ मिल जाए बहुत बड़ी बात है।
अगली अपडेट है शिक्षा मित्रों को लेकर गुड न्यूज़। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छी खबर, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ने वाला है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार, संदीप सिंह का कहना विधानसभा में। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद होगा निर्णय। बोले, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर झटका लगा है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, लेकिन हकीकत माना जाए तो 85,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। क्या जब से भर्ती कंप्लीट हुई तब से अब तक क्या पद रिक्त नहीं हुए हैं? सरकार भर्ती करना नहीं चाहती है। जब सरकार जीत जाएगी तो भर्ती करना नहीं चाहती है भैया। अगली अपडेट है बीपीएससी को लेकर, बीपीएससी में बड़ी खबर, बीपीएससी की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। आवेदन और परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से होगी, अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं। यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर है, अपेयरिंग जो छात्र हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, तो एक झटका है, बहुत बड़ा झटका है, अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पीसीएस को लेकर, पीसीएस की सबसे बड़ी खबर है, पीसीएस के लिए 5.74 लाख आवेदन आए हैं, अब तक की सबसे बड़ी खबर, 5,74,000। अगर हम आंकड़े की बात करें तो अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया है, पिछले बार जो है 5,65,459 आवेदन हुए थे। हमने एक वीडियो में बताया था पिछले की तुलना में अब की बार आवेदन कम होने वाले नहीं हैं, भले ही 220 सीटें हों, अगर आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया जाए, जैसा कि छात्रों ने पीसीएस के आवेदन की डेट बढ़ाने की मांग की है, आवाज़ उठाई है उसके लिए, अगर आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया जाए तो उम्मीद है कि जो है 6 लाख के करीब आवेदन हो जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ, तो आप लोग तैयारी करिए, परीक्षा 17 मार्च को प्रस्तावित है, लेकिन दोस्तों 17 मार्च और बिहार की शिक्षक भर्ती की परीक्षा टकरा रही है, यह भी एक विषय है, क्योंकि 17 मार्च तक जो है बिहार में शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया है, परीक्षा का ऐलान किया गया, तो 17 मार्च की यूपी पीसीएस की परीक्षा टकराने के संकेत हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बड़ी अपडेट दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चुनाव सामने आ गया है, 2024 का लोकसभा चुनाव, उससे पहले कुछ दिखाना है। एक और बड़ी अपडेट दे दूँ कि आप लोग यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं तो समय से घर से निकल जाइएगा, क्योंकि जाम रहने की संभावनाएं प्रबल है। एक पाली में 12,04,000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, तो जाम रहेगा, इसमें दो राय नहीं, इसलिए आप लोग समय से घर से निकले जिससे परीक्षा में समय से पहुंच सके, यह भी विशेष ध्यान देना। और यूपी पीसीएस में पदों की संख्या बढ़ेगी, आप लोग परेशान मत होइए, 80 से लेकर 120 पद बढ़ने के चांसेज हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर, खुशखबरी मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें,